subscribe my channel and press the bell icon. दोस्तों संजू फिल्म का एक डायलॉग घी छे तो घपा घप छे, जब आपने इस डायलॉग को सुना होगा तो इसकी मीनिंग को बखूबी समझा भी होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस डायलॉग को बोलने वाले शख्स के बारे में, जिनका नाम इस फिल्म के अंदर कमलेश बताया गया है, जो कि संजय दत्त का बहुत ही जिगरी दोस्त होता है। लेकिन संजय दत्त की रियल जिंदगी में ये शख्स कौन है और इसकी क्या अहमियत है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट चैनल। 90 का बॉम्ब ब्लास्ट हो या संजय दत्त के ड्रग एडिक्शन के लिए जुर्माना, उनका दोस्त कमलेश उनकी हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहा है। संजू फिल्म में इस कैरेक्टर को प्ले किया है विकी कौशल ने। इससे पहले उन्होंने कुछ खास फिल्मों में काम नहीं किया था, जैसे कि वशान, राजी। इससे पहले उन्होंने कुछ टीवी सीरीज में भी काम किया था, लेकिन इस फिल्म को करने के बाद विकी कौशल का डिमांड 100% बढ़ने वाला है, आप नोट कर लीजिए। आपको बताते चलें कि संजय दत्त की रियल जिंदगी में कमलेश नाम का कोई फ्रेंड नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि कमलेश नाम के कैरेक्टर को इतनी अच्छे तरीके से क्यों दिखाया गया, क्योंकि यही कैरेक्टर है संजय दत्त की जिंदगी में। लेकिन दूसरे नाम से, जिनका नाम है परमीश गिलानी, जो अभी अमेरिका में बीपीजी मोटर्स का CEO और चेयरमैन है। इनका काम ही है इनोवेटिव प्रोजेक्ट में काम करना। हाल ही में ये जो काम कर रहे हैं वो है मून एक्सप्रेस, बीपीजी कॉर्पोरेशन, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेशन को संभाल रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। हाल ही में इन्होंने रतन टाटा के साथ कई प्रोजेक्ट पे गठबंधन किया है। भारत में कई गांवों में हो रही पानी की समस्याओं को भी सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ये तो हो गया इनका प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ये गुजराती हैं जिनका जन्म हुआ है US में, और US में ही इनका स्कूलिंग और कॉलेज भी हुआ था। अगर हम बात करें इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो इनकी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत US से ही हुई। यहीं पर संजय दत्त और इनका मुलाकात हुआ, जहां पर संजय दत्त की मां का इलाज चल रहा था, यानी कि न्यूयॉर्क में। वहीं पर कमलेश यानी कि परमेश एक फ़ैन बनकर आए थे, और वहीं से संजय दत्त और परमेश की दोस्ती स्टार्ट हुई थी। अगर आपने संजू फिल्म देखी होगी तो एक चीज़ नोटिस की होगी कि कमलेश का एक छोटा सा नाम था कमली। वहीं अगर हम बात करें कि परमेश का भी एक छोटा सा नाम है पाड़िया। संजू फिल्म में आपने देखा होगा कि कमलेश एक रेड जैकेट पहनते हैं, जो कि संजय दत्त ने एक आदमी से लिटरली खरीद कर दिया था, लेकिन वो रियल लाइफ में एक रेड कलर का शर्ट है। संजय दत्त को जेल से छूटने के बाद परमेश गिलानी उन संजय दत्त की फैमिली के साथ रेड कलर के शर्ट में ही उनको लाने जाते हैं। आप संजू मूवी को भी देख लीजिए, उसके अंदर संजय दत्त को लाने के लिए कमलेश यानी कि परमेश गिलानी रेड कलर के जैकेट में जाते हैं संजय दत्त को लाने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे ही मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।